नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल, आपके साथ मैं हूँ वीना। हिंदू धर्म में सूर्योदय और सूर्यास्त को बहुत महत्व दिया जाता है। किसी भी गतिविधि के लिए दिन समय अनुकूल माना जाता है। इन्हीं में से एक है बाल काटना। मान्यता है कि रात में बाल काटने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में दरी जीता आती है। इस मान्यता को श्रेष्ठ मानकर आज भी लोग इसका पालन करते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे के वैज्ञानिक और धार्मिक कारण क्या है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो रात में बाल न काटने के मुख्य कारण है कि पुराने जमाने में रात के समय पर्याप्त रोशनी प्रदान करने के लिए ट्यूबलाइट या बल्ब नहीं होते थे, इसलिए कटे हुए बालों को अंधेरे में काटना मुश्किल हो जाता था और गणित तंत्रों से बाल कटने का भी डर रहता था। कई बार अंधेरे में कैची अस्त्र लगने का डर भी रहता था। रात के समय बाल इधर उधर उड़ जाते थे, जिससे चलते कई बार बाल खाने में भी आ जाते थे, जिससे तबियत बिगड़ने का डर होता है। इसके अलावा बालों की वजह से गंदगी और बैक्टीरिया भी फैलने का डर होता है, इसलिए रात में बालों को काटने के लिए हमेशा मना किया जाता रहा है। शास्त्रों के अनुसार रात में बाल काटना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया है कि सांप के समय में देवी लक्ष्मी का घर में वास होता है। महालक्ष्मी समृद्धि और धन के साथ आशीर्वाद देने के लिए रात में घर आती है, इसलिए रात में बाल नहीं काटने चाहिए। इससे महालक्ष्मी नाराज हो जाती है। रात के समय बाल कटवाने से घर से लक्ष्मी दूर होने लगती है और घर की कलह होने के साथ साथ आर्थिक हानि होने लगती है। ऐसे हानि से बचने के लिए रात के समय बाल नहीं कटवाने चाहिए। ज्योतिष शास्त्री के अनुसार रात में बाल कटाना